नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर से। हमारे साथ जगदीप कौर जी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और डेरा सच्चा सौदा में आज भी आई हैं, बचपन से ही आ रही हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, कैसा माहौल है बीइंग गर्ल, इनका क्या कहना है आश्रम के माहौल को लेकर। इनसे सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। जगदीप जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैम मैं बीकॉम की हुई है एंड मैं रिसेंटली एज अ एग्जाम दिता। मैम डेरा सच्चा सौदा दे नाल तुसी बचपन तो जुड़े हुए हो। हाँ जी। किवें दा माहौल लगता तुहानू इत्थे? इत्थे बहुत वधिया माहौल आ, सारे वर्ल्ड नाल अलग माहौल आ ते मैनू बहुत ही ज़्यादा वधिया फील हुंदा इत्थे आके। मीनस मैनू सोल पीस फील हुंदा इत्थे आके। और मेरे पेरेंट्स ने शुरू तो आउंदे ने इत्थे ते उन्हां दा सब तों पहलां दा नाम शब्द लिया होया, मैं लिया सीगा 7 च ते असीं उदों दे आउंदे आ। बीइंग गर्ल सेफ्टी नूं लेकर की कहूंगी आश्रम च? मतलब इत्थे सेफ्टी हैगी आ, जिद्दां कि बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं हुंदा हैगा इत्थे आके, फ्रीडम फील हुंदी आ। होर गर्ल्स बारे पिता जी ने एक ओह भी चलाया सी गर्ल्स बारे डिफेंस सीगा, जिदे च कुड़ियां नूं सिखाया जांदा सी आपदी आत्म रख्या लई किद्दां उन्होंने लड़ना वा, किद्दां फेस करना वा। जो भी एलिगेशंस गुरु जी ते लगाए जा रहे हैं उन्होंने बारे की कहोगे? उन्होंने बारे मैं कहूँगी भी वो सारे फेक ने, वह बेबुनियाद ने, वह झूठ ने। जो मीडिया च दिखाया जा रहा है, आए दिन एवं खबर दिखाई जा रही सी, उन्होंने बारे की समाज में दसना चाहोगे? उन्होंने बारे मैं दसना चाहनी हाँ, मीडिया फेक दिखा रहा न्यूज़, उन्होंने वो पिता जी को बदनाम करन ते तुलिया होया वा। रियलिटी की है, रियल च गुरु जी का नेचर किवें दा? रियलिटी पिता जी बहुत वधिया सुपर ह्यूमन ने, उन्होंने बहुत सारे मानवता भलाई के कार्ज तोरे हुए ने, जिदे विच एक तो हैगा भी किदा जिहड़ियां वेसवा ने उन्होंने अपनी बेटी बना के उन्हां दी शादियां करवाउंदे ने। होर भी बहुत सारे मानवता भलाई के काम ने, जिदा कि जानवरों नूं छत उत्ते पानी पाउणा, चोगा पाउणा, एक्सैक्ट्रा बहुत सारे होर भी ने। कि अज भी तुहानूं लगदा है सोसाइटी नूं गुरु जी दी नीड है? येस ऑफकोर्स, अज भी सोसाइटी नूं गुरु जी दी नीड आ, क्योंकि एक अकॉर्डिंग टू माई परसैप्शन मैं ये समझदी हाँ भी सिर्फ गुरु जी ने जिहड़े सोसाइटी नूं ठीक कर सकते हैं, बुराइयां नूं खत्म कर सकते हैं। अज तक गुरु जी ने किवें किहड़े मेजर वर्क है जिहड़े सोसाइटी दे लई कीते है? गुरु जी ने बहुत ज़्यादा वर्क किया, जिदा कि ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने सफाई अभियान चलाया सीगा। सफाई अभियान उन्होंने सारे वर्ल्ड नूं ये दस्सिया भी किदां सानूं अपनी सराउंडिंग्स की सफाई रखनी चाहिए है, क्लीनिनेस नूं प्रमोट किया जाना चाहिए तो जिदे नाल आपां बीमारियां तो बच सकते हैं, तो आने वाली जनरेशन नूं एक मैसेज दे सकते हैं, तो उन्होंने भी बचा सकते हैं। की अपील करूँगी लास्ट सरकार नूं संसद दे लई? सरकार नूं मैं अपील करूँ भी साडे गुरु जी निर्दोष ने, उन्होंने जो भी आरोप लगे ने बेबुनियाद ने, तो उन्होंने जमानत दी जाए तो उन्होंने रिहा किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ये सवाल समाज के लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि झूठा बदनाम किया गया संत जी, एक सच्चे समाज सुधारक है, उनको समाज में जल्द से जल्द वापस आने चाहिए। दोस्तों आप लोग भी खुले दिमाग से सोच के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम और सच का साथ दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।